आज नदीम बाबर साहब ने मान लिया कि कराची में 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बन गई है, मगर आज मानकर भी दोबारा पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा दिया। हमने अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के एंड पे इस पे काम शुरू किया और मैं खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि दो दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, दो दिन पहले चालू कर दिया से 24 दिसंबर जी 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। अगर ये लाइन एक दो महीने पहले तैयार हो गई होती तो जो टर्मिनल्स के पास अपनी 100-150 की प्राइवेट कैपेसिटी है, जिसकी कैबिनेट इजाज़त भी दे चुकी थी, वो शायद दिसंबर जनवरी फरवरी में ले आते इसके लिए एडिशनल गैस, लेकिन चले वो नहीं हो पाया। जनवरी के लिए अब बहुत लेट हो चुकी है, शायद फरवरी मार्च में आना शुरू हो जाए, बल्कि आजकल में हम टेंडर भी कर रहे हैं कि जो कोई एडिशनल लाना चाहता है वो ला सकता है। आज का अगर ये पाइपलाइन पहले बन जाती, मगर अब से एक महीने पहले नदीम बाबर साहब ने कहा था कि इस पाइपलाइन को दिसंबर में मुकम्मल होना है और दिसंबर में 1200 MMCFD और जनवरी में इस पाइपलाइन की वजह से 14 MMCFD गैस लाएंगे क्योंकि ये पाइपलाइन मुकम्मल हो जाएगी। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे पूरा दिसंबर पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाजत लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। 30 नवंबर के बयान के मुताबिक इस पाइपलाइन को दिसंबर में मुकम्मल होना था, आज कहा एक दो महीने पहले मुकम्मल हो जाती तो जनवरी में हम ज्यादा गैस ले आते, मगर जनवरी में तो जो इस पाइपलाइन के अलावा 1200 MMCFD गैस ला सकते थे उसके भी सप्लायर नहीं आए क्योंकि टेंडर देर से किया। टेंडर तो हुकूमत ने 8 तवील मुद्दती मुआहदों का अलावा 6 कार्गो का ही किया था, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मगर फिर देखिए कि जनवरी के शुरू के 20 दिन के लिए बिड्स ही नहीं आई क्योंकि टेंडर बहुत देर से किया और ऐसा पाकिस्तान के साथ पहले कभी नहीं हुआ। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जब बिड्स नहीं आई तो मीडिया पर इल्जाम जिम्मेदारी डाल दी और कहा कि मीडिया के एक हिस्से की वजह से हालिया टेंडर में सप्लायर नहीं आए, मगर फिर उस वक्त सवाल उठा कि अगर मीडिया की वजह से नहीं आए तो जनवरी के आखिरी के 10 दिन में कैसे आ गए, मगर फिर दोबारा इमरजेंसी टेंडर किया तो सप्लायर आ गए, मगर रेट 44% तक महंगा आया और फिर कह दिया कि हम तो बेहतर कीमत के लिए टेंडर कर रहे थे, हमें 14 कार्गो लेने ही नहीं थे। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। सही है। आज तक 81 कार्गोज का टेंडर किया गया है जिसमें से 29 ऑर्डर नहीं किए गए। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उसे एक दो ज्यादा भी टेंडर कर सकते हैं और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। शायद आपको समझने में भी मुश्किल हो रही हो कि एक मामले खसूसी एक महीने के अंदर अंदर कितने सारे बयान बदल रहे हैं, यानी 30 नवंबर को कहा कि पाइपलाइन दिसंबर में बन जाएगी तो जनवरी में 14 कार्गो लाएंगे, टेंडर जारी किया, फिर सप्लायर नहीं आए तो मीडिया पर जिम्मेदारी डाल दी, फिर इमरजेंसी टेंडर किया, सप्लायर आ गए मगर महंगा रेट मिला तो कहा कि हमें तो ये लेना ही नहीं था, ऐसे ही बेहतर कीमत के लिए टेंडर कर दिया था, और फिर आज मान लिया कि जो पाइपलाइन उनके अपने बयान के मुताबिक दिसंबर में बननी थी वो बन गई, मगर जल्दी बन जाती तो जनवरी और फरवरी में ज्यादा एनर्जी मंगवा लेते, हालांकि जनवरी में पहले सप्लायर ना आए और फिर मेगा टेंडर आने की वजह से 19 दिसंबर को वजारत पेट्रोलियम ने ट्वीट किया जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है कि 30 दिसंबर का एक कार्गो जनवरी में शिफ्ट किया गया है, और आज इस ट्वीट के 10 दिन के बाद 29 दिसंबर को नदीम बाबर साहब ने कहा कि अगर पाइपलाइन सिंध हुकूमत जल्दी बना लेती तो जनवरी और फरवरी के लिए हम ज्यादा कार्गो मंगवा लेते, मगर फरवरी के लिए आप देखिए कि वजारत पेट्रोलियम ने तो टेंडर ही 2 कार्गो का किया है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, जिसकी कल इंतहाई महंगी बिड्स खुली हैं, यानी पाइपलाइन के साथ 6 कार्गो का टेंडर कर सकते थे मगर बगैर पाइपलाइन के भी 4 कार्गो का टेंडर तो कर सकते थे, अब फरवरी के शुरू के 15 दिन के लिए टेंडर ही नहीं किया, आखिरी के 15 दिन के लिए सिर्फ 2 कार्गो का टेंडर किया और कह रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत पहले पाइपलाइन बना लेती तो फरवरी में हम ज़्यादा कार्गो मंगवा लेते। वज़ीर आज़म ये देखें और नदीम बाबर साहब से पूछें कि हर हफ्ते हकाइक के बरक्स बार बार बयान कौन बदलता है और अपनी गलतियां कौन इस तरह दूसरों पर डालता है।